फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मोनोटोशन। तो आज हमारे साथ है टियागो के ओनर्स, जिन्होंने एक साथ दोनों टियागो खरीदिया और दोनों फ्रेंड्स हैं। और मेरे साथ है चंदन जी और साथ में है अभिजीत जी, जिन्होंने ये दोनों गाड़ियाँ खरीदी है, टियागो एक्सजेड वेरिएंट। और आज हम इसका ओनर रिव्यू करने वाले, आप सबको बताएंगे इन दोनों ही गाड़ियों के पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और क्या खास बातें इन गाड़ियों में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग ऑन अवर चैनल। तो सर, आपकी गाड़ी कितने महीने, कितने टाइम पुरानी है? मैंने अभी मंडे को ही गाड़ी ली है, एक हफ्ता ही हुआ है। एक हफ्ता? और आपकी? मुझे एग्जैक्टली एक मंथ हो गया, 20th को ली थी हमने लास्ट मंथ। ओके, तो अभी एक महीना हो गया लगभग। ओके, तो सबसे पहले सर ये बताइए कि आपका नई गाड़ी खरीदने का ही क्यों प्लान बना? क्योंकि लोग जब फर्स्ट टाइम गाड़ी खरीदते हैं, जैसे कि आपने बताया हुआ कि आपकी दोनों की पहली गाड़ी है, दोनों की फैमिली पहली गाड़ी है, तो फर्स्ट टाइम आपकी नई गाड़ी खरीदने का ही प्लान क्यों बना? एक्चुअली पहली बार तो हमने जैसे पुरानी गाड़ियाँ चला के देखी थी, तो अब न्यू ड्राइवर के हिसाब से तो जैसे उनमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसमें ये हमें ये भी था कि नई गाड़ी है, उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं होगा, रास्ते में कोई ख़राबी आ जाए। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू प्राइजेस देखे, जैसे कोविड के बाद तो सेकेंड हैंड कार्स के प्राइजेस काफ़ी हाई थे, तो इसी उसके बावजूद हमें सही डील में ये गाड़ी मिल गई। नहीं ओके okay. और तो आप लोगों को ये दोनों गाड़ियाँ एक्सैक्ट है, जैसे कि दोनों का क्या प्राइस पड़ा? यहाँ पे हरियाणा सिरसा की बात कर रहे हैं हम, तो दोनों का क्या प्राइस पड़ा ऑन रोड? हमें दोनों लगभग 625 के आसपास पड़ी दोनों गाड़ियाँ। ओके चंदन एंड अभिजीत, आपका यही गाड़ी खरीदने का, इसी वेरियंट का खरीदने का प्लान क्यों बना एक्सैक्ट वेरियंट का? बाकी वेरियंट जो है इस गाड़ी के, उनका खरीदने का प्लान क्यों नहीं बना? एक्चुअली इस वेरियंट में काफी फीचर्स है जो बाहर से हम रेट्रोफिट नहीं करा सकते, और काफ़ी यूजफुल भी है क्योंकि हम दोनों की जनरली जो रनिंग है वो हाईवे की है। जैसे इसमें हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल रही है, डीफॉगर मिल रहा है और रियर वाइपर मिल रहा है, और ये कुछ फीचर्स है हम जो बाहर से भी लेंगे। और जैसे हाईवे रन पे काफ़ी जैसे फोग हो जाती है, उसमें डीफॉगर हमारा काम आता है, और जैसे हमने ड्राइवर है उसमें जैसे हाइट एडजस्टेबल है सीट, तो जैसे कभी लंबी ड्राइव कर रहे हैं तो किसी और टाइप से सीट एडजस्ट कर सकते हैं, या हम शॉर्ट ड्राइव कर रहे हैं थोड़ा किसी और टाइप से। प्लस इसमें अगर आप एक और चीज देखें तो ये कि एक नया ड्राइवर अगर लेके चलते हैं तो उसको अगर आप एक एक्सपीरियंस ड्राइवर से कवर करेंगे तो उसकी विजिबिलिटी उसके जनरली एक्सपीरियंस से बनती है। फॉर एग्जांपल ए पिलर का जो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो सामने अगर वो चला रहा है, अपनी कार चला रहा है और टर्न लेने वाला है, correct. तो उसको आइडिया रहता है कि किस तरफ से देखना है कि व्हीकल आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसे चेक करना है। बट एक न्यू ड्राइवर के लिए विजिबिलिटी एक ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चाहे वो पार्क करते हुए हो या अगर आप हाईवे पे लेके जा रहे हैं या एक छोटे आप टर्न लेने वाले हैं उस पर भी बहुत मैटर करता है। तो आप अपनी सीट उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि जहां पे आपको विजिबिलिटी मैक्सिमम एक्सपीरियंस हो, तो ये एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था उस टाइम ये डिसाइड करने के लिए। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स है जो आप बाहर से नहीं लगवा सकते और एक्सजेड में आपको मिल जाते हैं। ओके और सर माइलेज की बात करें तो एक्चुअल माइलेज क्या मिल रही है आपको इस गाड़ी से? एक्चुअली अभी मैंने यहाँ सिरसा से फतेहाबाद गया था एक बार, जो अराउंड 45 किलोमीटर है, तो हाईवे में मुझे दिखा रही थी अराउंड 24 तक MID में शो कर रही थी, बट एक्चुअल एवरेज देखे तो सिटी में मुझे मिल रही है 15-16 की, और हाईवे वाइज मिल रही है अराउंड 20-21 की। Okay. मेरे केस में एक्चुअली ये था कि मैंने थोड़ा आगे तक ड्राइव किया था, सो अराउंड 110 किलोमीटर वन साइड, तो उसमें मुझे हाईएस्ट एवरेज जो शो किया MID ने वो था 28.1 किलोमीटर पर लीटर, तो वो मैक्सिमम था जो मुझे एक बारी में देखने को मिला। बट आप ये देख लीजिए कि मुझे एक्चुअली हिसार क्रॉस करके जो 110 किलोमीटर पे था उससे थोड़ा आगे जाना था एक गांव में, तो पूरा सिटी क्रॉस करते हुए ट्रैफिक के बीच में से जाते हुए, तो ओवरऑल एवरेज उस पर्टिकुलर जर्नी का मुझे मिला 26.5 किलोमीटर पर लीटर, जो कि काफी अच्छा नंबर है। लेकिन अगर मैं अपना ओवरऑल अभी तक जर्नी का देखूं कि स्टार्टिंग में जितना मेरा अभी तक मैक्सिमम वैसे सिटी रन नहीं रहा है उसको इंक्लूड करते हुए देखूं, तो करंट मेरी एवरेज अभी दे रही है अराउंड 18 किलोमीटर पर लीटर, तो वो अभी टोटल मेरा एवरेज चल रहा है। ओके और यहाँ बात करें कंपैरिजन की, जब आपने गाड़ी खरीदी है उससे पहले काफी गाड़ियों के साथ टेस्ट ड्राइव किया होगा, कंपैरिजन किया होगा, तो कौन कौन सी गाड़ी के साथ आपने टेस्ट ड्राइव कंपैरिजन किया था और फिर टियागो का ही प्लान क्यों बना? तो एक्चुअली ये था कि हमने लगभग हर मैन्युफैक्चरर की इस रेंज में, तो हमने पहले अपना बजट फाइनलाइज किया था कि हमें एक कार लेनी है, हैचबैक लेनी है, जिसका बजट होगा अराउंड 6 लाख, तो 6 ± 20 हम लेकर चल रहे थे। तो लगभग हर मैन्युफैक्चरर की हमने कार जाके ली, ट्राई की, उनका टेस्ट ड्राइव लिया, तो सबसे अच्छी जो हमें फील हुई वो थी फोर्ड की, फोर्ड फीगो हमें काफी अच्छी एक्सपीरियंस लगी। okay. और नेक्सा की इग्निस हमें काफी अच्छी लगी। इसके अलावा हमने हुंडई का भी ट्राई किया था, हुंडई का भी जो नया लॉन्च हुआ है नियोस,
तो वो हमें कार भी काफी अच्छी पसंद आई थी। तो सभी हमने लगभग काफी मैन्युफैक्चरर्स की ट्राई की। तो आफ्टर ट्राइंग ऑल दिस जो हमें अच्छा सबसे ये लगा कि अगर आपको कार लेनी है और आप बजट से थोड़ा उतना कंस्ट्रेंट नहीं हो, आपको बजट का इतना परवाह नहीं है, तो आप सीधा जाके फोर्ड परचेज कर सकते हैं। ऑल दो उसका रनिंग कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है, इनिशियल वन टाइम कॉस्ट भी उसका ज्यादा है, बट जो हमें ड्राइव एक्सपीरियंस फोर्ड में मिला आई थिंक वो किसी मैन्युफैक्चरर ने नहीं दिया। बिकॉज जैसे टियागो है, इसे हमें इसमें हमें 1.23 सिलेंडर इंजन के साथ मिल रहा है, 86 हॉर्स पावर मिल रहा है, बट सेम फिगो है और फिगो एस्पायर है, उसमें सेम इंजन सेम सब कुछ बट उसमें 97 हॉर्स पावर है। तो मतलब इसमें ये जैसे पेट्रोल कार्स में क्या होता है, हमें सिर्फ क्लच छोड़ के गाड़ी एक्सेलेट कम करती है, हमें साथ साथ वो एक्सेलेटर भी दबाना पड़ता है, बट उसमें क्या है पेट्रोल में भी आप सिर्फ क्लच छोड़ोगे गाड़ी आगे एक्सेलेट करना शुरू कर जाती है, ये है। और बट और उसके अलावा गाड़ियों की बात करें, हर गाड़ी में अलग अलग था, जैसे हमें स्विफ्ट जैसे ब्रांड है स्विफ्ट का, नाम से चलती है, रीसेल अच्छी है, बट उसकी बिल्ड क्वालिटी नहीं है हाईवे पे जाए तो। और उसके अलावा अब टियागो में हमें बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, माइलेज भी ठीक मिल रही है, और पावर देखे तो वो स्विफ्ट वगैरह से ज्यादा है, जैसे स्विफ्ट और हुंडई में हमें मिलती है 82 हॉर्स पावर, इसमें फिर भी हमें 86 हॉर्स पावर मिल रही है। साथ में अगर आप एक और चीज नोटिस करें, अगर पावर है तो अगर आप इसमें पावर स्पेसिफिकेशन देखें कंपनी की वेबसाइट पे या जनरली एक्सपीरियंस करेंगे, तो इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है आपको एक लोअर आरपीएम में मिलता है। तो जैसे अभी मेरा एक्सपीरियंस है चलाने का, जितना भी एक महीने का रहा है एक्सपीरियंस पिछला, उसमें यह है कि जब आप ओवरटेक करने जाते हैं तो जनरली ऐसा होता है कि आप थोड़ा व्हीकल के पैरेलल ले गए, देन आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होता है कि और आपको स्पीड देनी है नहीं देनी है। तो उसमें ये जो टियागो है काफी पैपी फील होती है कि जैसे आप सामने बिल्कुल पैरेलल आए किसी व्हीकल के, आपको दिख रहा है सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, आप जस्ट थोड़ा सा प्रेस करो अपना पैडल और एकदम गाड़ी आपको रिस्पांस देती है। तो ओवरटेक करते वक्त वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस फील होता है। ये सेम चीज हमें नियोस में मिसिंग लगी। तो उसमें ये था कि अगर आप सेकंड गियर पे और अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो आप जब एक्सेलरेट करते हैं उसके थोड़े टाइम या थोड़ा डिले के साथ रिस्पॉन्स आ रहा था, तो ये चीज हमें अच्छी लगी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जैसे रनिंग कॉस्ट कम हो गई और गाड़ी की स्ट्रेंथ अच्छी फील हुई, तो उस बेसिस पे हमने फाइनली फिर टियागो डिसाइड। नो डाउट जैसे नियोस को हम देखेंगे तो एक प्रीमियम कार है, बट टियागो एक प्रैक्टिकल कार है चलने के हिसाब से। तो काफी अच्छे से रिसर्च किया आपने गाड़ी खरीदने से पहले। ओके, और यहाँ बात करें डिजाइन की, आपको डिजाइन में कौन सी गाड़ी अच्छी लग रही थी? डिजाइन में एक्चुअली इंटरनल डिजाइन के हिसाब से देखा तो हमें नियोस पसंद आई थी, इंटरनल उसकी डैशबोर्ड की फील अच्छी थी सब कुछ, बट ओवरऑल डिजाइन के हिसाब से बात करें तो टियागो अच्छी लगी हमें और एक फोर्ड अच्छी लगी। मुझे पर्सनली इस मामले में इग्निस थोड़ी ज्यादा पसंद आई थी क्योंकि उसमें डुअल टोन इंटीरियर था एंड मतलब उसका थोड़ा इंस्पायर्ड था, अच्छी मतलब थोड़ा प्रीमियम फील देता था, स्पेशली डैशबोर्ड थोड़ा फ्लैटेंड आउट था और आपका बोनेट आपको इजिली विजिबल था, जैसे जनरली एसयूवी में एक्सपीरियंस होता है कि आप ड्राइविंग सीट पे बैठे आपको दिखता है कि कहाँ तक बोनेट है, तो ज्यादा वो आपको मतलब रीअश्योरिंग फील होता है कि आप ज्यादा ट्रस्ट करते हैं अपनी कार पे क्या लेंथ है उसकी, तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। बट टियागो का मुझे काफी डिसेंट लगा और काफी मतलब एट पार भी नहीं कहूंगा, एट पार अबव देन पार, मतलब बेंचमार्क से थोड़ा ऊपर ही एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि अगर ओवरऑल आप अगर इसका स्ट्रेंथ देखें मटेरियल डैशबोर्ड का तो काफी अच्छा यूज किया है। एक दो जगह इन्होंने मतलब मुझे लगता है कि बेटर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ये सेंटर कंसोल देखें, हैंड ब्रेक के पीछे वाला एरिया देखें, जैसे ये लोग देख सकते हैं ये थोड़े ओल्ड फैशन हो गए आज के टाइम में, तो ये चीजें थोड़ी इम्प्रूव की जा सकती हैं। थोड़ा आपको लगता है कि वैसे अगर आप सामने देख रहे हैं डैशबोर्ड तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन बीच में जब आप देखते हैं थोड़ा ये ढीला ढाला सा फील होता है, बट स्टिल अगर आपकी फर्स्ट कार है तो आप कंसीडर कर सकते हो टियागो, मतलब ये ओवरऑल पैकेज आपको प्रोवाइड कर देगी नए ड्राइवर के। ओवरऑल हर मामले में आपको ये गाड़ी थोड़ी बेटर लगी, डिजाइन बिल्ड क्वालिटी सेफ्टी एंड माइलेज के कंपैरिजन में? यस। ओके, और यहाँ बात करें हम वाइब्रेशंस की और इंजन नॉइस की, तो आपको कैसी लग रही है? हाँ, तो एक्चुअली बात यह है कि टियागो में 3 सिलेंडर इंजन है तो उसके हिसाब से थोड़ी होती है एनवीएस लेवल, बट जैसे टाटा का मार्केट में नाम है कि हाँ टाटा का वो ये गियर नोव है वो कांपता है या इंजन की वजह अंदर तक आती है आप ड्राइव नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस पे अगर आप हाथ रखोगे तभी हल्की सी वाइब्रेशन आएगी, बट वो हर गाड़ी जैसे होता है थ्रोटल रिस्पॉन्स बोल सकते हो आप, बट इसका जैसे इग्निस थी और नियोस थी बिल्कुल साइलेंट कार थी, बट इसमें उसके मुकाबले थोड़ी बहुत एनवीएस लेवल्स है। ओके, और कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि आपको इंजन ज्यादा हीट होता है, ज्यादा गर्मी छोड़ता है बाहर? इसमें एक्चुअली मेरा एक वो था रिस्पांस था कि जैसे आप अपना स्टार्ट करते हैं कार तो उसके बाद आपका एमआईडी डिस्प्ले आता है सामने, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 5 लेवल्स दिए हुए हैं टेम्परेचर के इंजन के, तो
स्टार्टिंग में आप जब स्टार्ट करेंगे तो एक बार शो करेगा, तो थोड़ा आप अपनी कार चलाइए तो सेकंड बार नहीं शो करेगा, आपको डायरेक्टली थ्री बार शो करेगा। तो मुझे थोड़ा लगा कि क्या मेरी कार में कोई इश्यू है कि ज्यादा टेम्परेचर आइदर कार में आ रहा है या वो गलत शो रहा है। तो फिर मैंने इनको शोरूम में दिखाया था दो एक हफ्ते के रन के बाद, तो उन्होंने कहा था कि अगर तीन बार से ऊपर आती है रीडिंग उसकी तो आप थोड़ा मतलब टेंशन ले सकते हैं या आप दिखा सकते हैं गाड़ी, अदरवाइज अगर थ्री बार पे है तो कोई ऐसी कोई टेंशन वाला इशू नहीं है। एक और ये कार लेने का हमारा वो था रीजन, इसमें हरमन गार्डन का सिस्टम आता है और एट स्पीकर मतलब फोर स्पीकर फोर ट्वीटर्स के साथ, तो प्रॉपर एक सराउंड साउंड प्रोवाइड करता है। और आपने फैमिली के साथ ड्राइव की होगी गाड़ी, तो ओवरटेकिंग में कोई इशू आया अभी तक, ऐसा लगा हो कि पावर अच्छी नहीं मिल रही? तो इसमें दो चीजें, अगर आप वैसे ऑब्जर्व करें जैसे चंदन भी सिंगल ड्राइवर मतलब खुद ही चलाता है गाड़ी, और मेरा भी जनरली है कि आइदर मैं खुद लेके जाता हूँ कार या मैक्सिमम कोई मेरे साथ होता है, एक जना मेरे साथ होता है। लेकिन अगर पांच जने इसके साथ इस गाड़ी में बैठा के चलाएं तो जेन्युइनली आपको फील होगा कि थोड़ी गाड़ी उसको फील कर रही है, वेट उसमें आ रहा है, लोड है, और गाड़ी उसको थोड़ा मतलब धीरे से पिकअप कर रही है। लेकिन ओवरऑल अगर आप पिकअप आपने एक बार स्पीड पकड़ ली और आप जा रहे हैं हाईवे पे और उसके बाद आपको ओवरटेक करना है फिर आप पेडल को पुश कर रहे हैं तो इतना कोई डिले रिस्पांस नहीं है, तब काफी पैपी रहता है। इनिशियली दो आपको फील होगा कि आपका थोड़ा जो एक्सेलरेटर है वो थोड़ा पंप अप हो गया, उसको आपको थोड़ा और प्रेशर करना पड़ेगा। और यहाँ हम बात करें ब्रेकिंग की, तो आपको गाड़ी की ब्रेकिंग कैसी लग रही है? ब्रेकिंग एक्चुअली काफी अच्छी है, जब हम टेस्ट ड्राइव में गए थे तो भी उन्होंने हमें स्पेशल करके दिखाया था ब्रेकिंग, तो मतलब काफी खत्म एक्सटेंड हो गया था वो। उन्होंने एक्चुअली 150 पे लगाके प्रॉपर एकदम ब्रेक मार के टर्न करा तो गाड़ी हल्की सी भी स्किड नहीं हुई। हाँ, तो इस मामले में हाँ मतलब जितने भी हमने टेस्ट ड्राइव्स किए थे डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के, तो टाटा का जो टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस था मतलब उन्होंने काफी हार्शली हमें कार चला के दिखाई, काफी रगेड कंडीशंस में चला के दिखाई, तो वो अच्छा था कि वो अपने उन्होंने गाड़ी की जो कैपेसिटी है वो अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट की। तो टेस्ट ड्राइव के मामले में आई थिंक टाटा सबसे अलग स्टैंड किया हमारे पूरे ओवरऑल एक्सपीरियंस में। और एक चीज जो चंदन ने अभी यही कही कि अगर आप 120 या 130 पे भी हार्ड ब्रेकिंग कर रहे हो इस गाड़ी में तो स्किड का जो है एक भी आपको निशान नहीं दिखेगा रोड पे, मतलब गाड़ी के टायर्स बिल्कुल स्किड नहीं करते हैं चाहे आप 130 या 140 पे ब्रेकिंग कर रहे हो, हार्ड ब्रेकिंग कर रहे हो, तो वो हमें काफी अच्छा लगा, काफी रीअश्योरिंग फील हुआ। और यही अगर हाईवे पे एकदम अचानक टर्न आता है, आप कार को पूरा टर्न करते हो, आप हल्के से आपका एक सबकॉन्शियसली आपका पैर ब्रेक पे भी जाता है, तो वही इसमें कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल है, इसकी अच्छी बात है कि एकदम करते हो ना। एक मैं जैसे फतेहाबाद गया था रात को आ रहा था, एकदम जैसे आगे बैरियर आया मुझे एकदम दिखा नहीं रात को, तो एकदम मैंने टर्न करता हूँ गाड़ी बिल्कुल स्मूथली टर्न होगी वैसे ब्रेकिंग के साथ, ये थोड़ा अच्छा है इसमें। ओके, और यहाँ पे डीलर की डीलिंग कैसी लगी? तो ओवरऑल मतलब ये था कि हर डीलर के केस में जनरली ये होता है कि आपको थोड़ा बात करना पड़ेगा तब आपको एक अच्छी डील आपके लिए मिलेगी, और यहाँ पे भी थोड़ा वैसे था कि मतलब जैसे इसके केस में था तो हमने अच्छे से डील किया कि जो मेरे को ओवरऑल पैकेज मिला था ऑल्दो प्राइस बढ़ चुकी थी जब हम इनकी कार लेने गए थे, अराउंड एक महीने का डिफरेंस भी आया हमारे बाइंग में, तो हमने ट्राई किया कि ओवरऑल इनको भी लगभग सेम उसी प्राइस पॉइंट पे लगभग सेम फीचर्स मिल जाए। तो आई थिंक वो आपको पर्सनल लेवल पे आपको डील करना पड़ेगा कि कैसे आप नेगोशिएट करते हैं डीलर से, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पैरामीटर आ जाते हैं। और ओवरऑल जनरली एक जब हम टाटा की कार लेने की बात करते हैं तो एक ये चीज जनरली बहुत मतलब कॉमनली सामने आती है कि टाटा डीलरशिप का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, क्योंकि प्रीवियसली अगर आप देखें तो काफी इश्यूज आए हैं, काफी कंप्लेंट्स भी आए हैं, बट मुझे एक दो चीजें हुई मेरे साथ जिसके बाद मुझे थोड़ा ट्रस्ट बढ़ गया हल्का सा। तो एक्चुअली ये था कि मेरी कार में थोड़ा इशू आवाजें आ रही थी, मतलब जब गाड़ी 40-50 की स्पीड क्रॉस कर रही थी तो लेफ्ट हैंड साइड से टायर के अराउंड टक 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 की आवाज आ रही थी, तो मैं ये गाड़ी अपनी फिर वहां लेके गया डीलरशिप पे, तो उन्होंने काफी अच्छे से मतलब एटलीस्ट 30 मिनट्स मेरे साथ स्पेंड किए और गाड़ी को अच्छे से चेक करके जब तक वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो गई, डिस्पाइट कि उनके यहाँ सर्विस के लिए कार्स आई हुई थी वो उनको भी देख रहे थे, तो मेरी जो प्रॉब्लम थी उन्होंने उसको काफी प्रायोरिटी पे लेके जल्दी सोल्व कराया। तो उनके जो मेन वर्कर्स थे जैसे उनके लीडर हैं फोरमैन जिन्हें वो जनरली कहते हैं, तो वो भी मेरे कार के इशू को देख रहे थे और उन्होंने उसको उसी दिन रिजोल्व करा के मतलब मुझे सेटिस्फाइड करके कार को वहां से शोरूम से निकाला। तो आप पूरा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको टाटा की जो डीलिंग और सर्विस है वो अच्छी मिलने वाली है? एक्चुअली हमने दोनों में से किसी ने फर्स्ट सर्विस नहीं कराई, तो मेन एक्सपीरियंस में फर्स्ट सर्विस के टाइम ही मिलेगा उसका।
ओके, सस्पेंशन की बात करते हैं, सस्पेंशन कैसे लगे आपको गाड़ी के? सस्पेंशन अच्छा है एक्चुअली, इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस भी अच्छी है, सस्पेंशन भी अच्छा है. जैसे छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर आते हैं, खड्डे आते हैं, उसमें स्मूथली गाड़ी निकल जाती है. हाँ, बट अगर बड़ा खड्डा है तो हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है इसके अंदर. बट जैसे नॉर्मल आप शहर के अंदर जा रहे हो, आपको पता मिल जाएगा, बिल्कुल कम्फर्टेबल राइड है. बात करें राइड क्वालिटी की, आपको गियर लैग्स लगे कभी? गियर लैग नहीं लगे, बट इसका टाटा का गियर थोड़ा नोची है. ओके, हम जैसे फर्स्ट से सेकंड लगाते हैं ना, हल्का सा वो होता है उसके अंदर, जैसे हल्का टाइटनेस फील होती है. स्मूथ? हाँ, स्मूथ नहीं है, मतलब कि एक होता है ना, बिल्कुल क्रिस्प हुआ कि आपने क्लच प्रेस किया और एकदम आप फर्स्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको फील होता है कि फर्स्ट लग चुका है और अब आप गाड़ी स्मूथली निकाल सकते हैं. एक तो वो चीज मिसिंग है. दूसरी, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल आपने कभी क्लच अच्छे से नहीं दबाया, हल्का सा क्लच आपका उठा हुआ है और आपने रिवर्स गियर लगाया, तो उस टाइम पे अगर आपने क्लच अच्छे से नहीं दबाया तो उस टाइम रिवर्स लगाते वक्त काफी गंदी साउंड प्रोड्यूस करता है गियरबॉक्स. तो वो चीज मुझे काफी फील होती है कई कई बार. तो और सीटिंग कंफर्ट की बात करें, आपको कभी ऐसा लगा लॉन्ग ड्राइव पे कि सीटिंग जो उतनी अच्छी कंफर्टेबल नहीं है, थकान हो जाती है? नहीं, एक्चुअली सीटिंग कंफर्टेबल काफी सही है. वही इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट आ जाती है, प्लस ये कुशनिंग भी ठीक है सीट की, पीछे इसके जो हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल है फ्रंट सीट्स के, तो एटलीस्ट फॉर ड्राइवर एंड को पैसेंजर काफी अच्छा. साथ में इन्होंने लेग के लिए थाई सपोर्ट भी काफी अच्छा दिया है. तो अगर आप इसकी सीटिंग देखेंगे तो बाकी कार्स हैं जैसे इसी कैटेगरी में हैचबैक एरिया में, तो उससे काफी बेटर सीटिंग कंफर्ट है इसका. प्लस इसमें डेड पेडल है, क्लच के बाद हम अपने एक फुट को रेस्ट दे सकते हैं जैसे. वो काफी कार्स में एंट्री लेवल में मिसिंग होता है. ओवरऑल अगर हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव की बात करें, आपको इस गाड़ी में सबसे अच्छी चीजें क्या लगी और कोई कमी अगर आपको लगी तो? सबसे अच्छी चीज तो देखो भैया, एक तो फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी. कल भी एक्चुअली मैं गाड़ी लेकर घर से निकला तो कल एक बाइक ने जैसे गाड़ी में मारा, वही अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी तो हल्के बहुत स्क्रैच आए, और अगर इसकी जैसे दूसरी स्विफ्ट वगैरह लेके चलते तो एक्चुअली बम्पर वगैरह बैंड हो जाता है इसके अंदर. बट और नेगेटिव पॉइंट मेरे हिसाब से, एक तो ये डोर लॉक है और उसके अलावा एक ये सेंटर कंसोल है, इनको इम्प्रूव करे तो ये कार काफी सही हो सकती है. प्लस अगर टाटा अब हंगेरी कार अराउंड 6.25 है, टाटा की अल्ट्रोस भी आती है वो अराउंड 10 टच कर जाती है हायर मॉडल्स में. अब टाटा एक्चुअली फोर सिलेंडर इंजन को कंसीडर करे तो ये इसको हम परफेक्ट हैचबैक लेके चल सकते हैं. ओके, आई थिंक मेरा भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है कि दो जो स्टार्टिंग पैरामीटर्स थे, एक तो रनिंग कॉस्ट हो गई, तो एवरेज जब भी आप देखो, मतलब स्टार्टिंग में कई बार जब बायर लेने जाता है गाड़ी तो कहते हैं कि मुझे अच्छी एवरेज चाहिए, लेकिन जब भी आप कार में एंटर करते हैं और आपको दिखता है कि 20 प्लस एवरेज दे रही है तो काफी अच्छा लगता है एक्चुअली गाड़ी देख के. तो एक तो ये था, प्लस जब भी आप बैठते हैं, और काफी थोड़ा क्लीशेड भी हो गए कि आप जब गेट बंद करते हो तो टाटा की फील आती है, स्पेशली टियागो में, कि काफी बिल्ड अच्छी बिल्ड क्वालिटी वो एक्चुअली है. मतलब एक तो हो गया कि आप गाड़ी को वैसे प्रमोट कर रहे हो, लेकिन एक कस्टमर की तरह, एक कंज्यूमर की तरह जो गाड़ी को यूज किया है, तो उस बेस पे मैं जेन्युइनली कह सकता हूँ कि अगर आप उसको बंद करते हो तो काफी अच्छी फीलिंग आती है. एंड चलाते टाइम भी स्पेशली ऑन हाईवेज एक चीज काफी अच्छी लगती है कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है कार की. तो अगर आपको लेन शिफ्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा फील होता है कि आप बाहर की तरफ प्रेशर फील कर रहे हैं, या अगर राइट ले रहे हैं तो आप लेफ्ट की तरफ प्रेशर फील कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो वो चीज गाड़ी में बिल्कुल नहीं है. बहुत स्मूथ चलती है, काफी अच्छी राइड एक्सपीरियंस है, और यही चीज मतलब मुझे टाटा में काफी अच्छी लगी. और कार की अगर ओवरऑल बात करें तो एक जो छोटी सी चीज है, जो अगर मतलब कार ढंग से अपनी देखता है या मतलब अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है जो कस्टमर, उसको एक चीज जो टाटा में महसूस हो सकती है वो मेरी तरफ से रहेगा कि फिट एंड फिनिश में थोड़ा गाड़ी में मतलब बेटर किया जा सकते हैं. जैसे अगर आप कार के डोर्स देखें तो डोर्स जो है, फ्रंट डोर है और बैक डोर है, उनका लेवल थोड़ा डिफर कर रहा है. तो वो चीज मतलब आप अगर आप गौर से देख रहे हैं तभी आपको दिखेगी, लेकिन जब आप गौर से देख लेंगे उसे तो वो चीज थोड़ी आपको बोदर कर सकती है. तो ये थोड़ा उसमें पैरामीटर रहेगा डेफिनेटली. ओके, हालांकि हम जैसे हैचबैक्स लेते हैं, परचेज करते हैं जनरली, वो हम लेते हैं सिटी के लिए, और हम लॉन्ग ड्राइव वगैरह या फिर जैसे कॉम्पैक्ट एसयूवीज वगैरह भी जाना कंसीडर करते हैं, बट इस गाड़ी को हम लॉन्ग ड्राइव के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं और शहर के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं दोनों. तो हाई स्पीड पे आपको काफी स्टेबल लगी है गाड़ी और काफी जम के चल रही है. तो दोस्तों, ये था टियागो एक्सजेड का एक एक्चुअल एंड ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे लिए ये 3 काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है. चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें,
और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यहाँ मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि अगर आप हरियाणा से हैं तो आपको और आप टाटा की कोई भी गाड़ी खरीदना चाहते हो तो आपको हरियाणा में सिरसा में आपको बेस्ट डील मिलेगी। आपको कॉन्टैक्ट करना होगा टाटा मोटर से, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट मिल जाएगा और इसके अलावा आप मोटर टोर्शन से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पूरे हरियाणा में सबसे बेस्ट डील जो है हम आपको दिलवाएंगे अगर आप टाटा की कोई भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। और अगर आपका इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर कमिंग ऑन अवर चैनल, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जल्दी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, जय हिंद।